अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस मुद्दे पर लक्ष्य से का मौका मिला है वो है पीस डे चैलेंज टुगेदर फॉर टॉलरेंस। जैसे कि आप जानते हैं अमन के बगैर कुछ भी नामुमकिन है। अगर हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं तो हमें सब्र तहम्मुल और अमन से काम लेना है। आप ये भी जानते होंगे कि सब्र तहम्मुल और अमन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बगैर दूसरा नामुमकिन है। वस्सलाम। On this peace day challenge, I am giving the message of peace to all over the world. The world should work for the sustainable peace in all over the world. UNO also work on this peace, especially in Indian occupied Kashmir. From this Pakistan, a peaceful message for the Kashmiris. We will stand for you, and also we will work for the peaceful environment creating in Kashmir. So, on this message, I will giving a message of peace. It take works, it take a time, peace is possible. Together for tolerance, peace be challenged. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. मैं मोहम्मद तबस्सुम इम्तियाज आज आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि बैन-अल-अक़वामी तौर पर अमन का दिन मनाया जा रहा है और इसमें आपको बताना चाहूँगा, हम लोग मुस्लिम हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा अमन पसंद हैं, क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम ने दुनिया में सबसे पहले अमन का दर्स दिया और हम लोग ही अमन पसंद हैं और हम इस पर अमल करते हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा, कश्मीर के अंदर जो तशद्दुद हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो निहत्ते हैं और दूसरे मज़हब के लोग यहाँ पर आकर हमला आवर हो रहे हैं। हमारे मुसलमान अमन के हवाले से बहुत मुतहरक हैं। पीस डे चैलेंज टुगेदर फॉर टॉलरेंस, टीम डेरा गाजी खान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Peace Day Challenge, Team Leader.